हेलो दोस्तों, आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सभी सज्जनों को, देवियों को, बड़ों को, छोटों को मेरा सादर नमस्कार है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज 14 अक्टूबर 2023 शनिवार का दिन, पंचांग के अनुसार दोस्तों आज अश्विन मास कृष्ण पक्षी की अमावस्या तिथि है। इस दिन पितृपक्ष की समाप्ति होती है। 16 दिन के लगातार अपने अपने पितरों को सभी लोगों ने स्मरण किया, याद किया और उनको प्रणाम किया। जिस प्रकार के हमारे शास्त्रों की मर्यादा है उसके अनुसार उनको याद किया और अनेक प्रकार के दान उगार उगार किए। तो दोस्तों 14 अक्टूबर 2023 को जैसे कि आज सूर्य ग्रहण का भी पर्व है दोस्तों, सूर्य ग्रहण भी लगेगा आज, लेकिन भारतवर्ष में सूर्य ग्रहण का प्रभाव नहीं के बराबर होगा दोस्तों, क्योंकि ये रात में लग रहा है। यहाँ पर सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा और यहाँ पर वह दृष्टिगत नहीं होगा। और रात में दोस्तों, रात के समय में ये लगेगा और इसका प्रभाव भारतवर्ष में नहीं है। और अगले दिन हम स्नान करके अपना दैनिक कार्य को कर सकते हैं। और जो 15 अक्टूबर 2023 है, नवरात्रियों का शुभारंभ शुरू हो जाएगा और आज हमारा पितृ विसर्जन का दिन है। यानी सभी पितरों को, सभी को याद करना चाहिए अपने पितृ देवताओं को। दोस्तों सूर्य जो हैं वह रोशनी के प्रतीक हैं और सूर्य ग्रहण दोस्तों जब चंद्रमा सूर्य के सामने से गुजरता है तब अस्थायी रूप से उसकी रोशनी जो है अवरुद्ध हो जाती है। यानी बलयाकार सूर्य ग्रहण, रिंग के आकार का सूर्य ग्रहण इस बार का होगा दोस्तों। और सूर्य ग्रहण को दोस्तों वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्रमा तक उनकी रोशनी नहीं पहुंच पाती है, इसलिए सूर्य की रोशनी नहीं आ पाने से, बीच में पृथ्वी आ जाने से, तो पृथ्वी में हमको चंद्रमा जब बीच में आ जाते हैं तो पृथ्वी में हमको अंधकार दिखाई देता है। तो सूर्य की रोशनी जब पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ऐसा कहा जाता है। हमारे काव्य शास्त्रों के अनुसार दोस्तों सूर्य ग्रहण का हम लोग सूतक भी मनाते हैं, जैसे उन पर एक प्रकार की व्याधि आ जाती है, उस व्याधि को दूर करने के लिए हम मंगल कामना करते हैं, अनेक प्रकार के भगवानों का, सूर्य भगवान का स्मरण करते हैं। और भारतवर्ष में दोस्तों यह सूर्य ग्रहण का कोई प्रभाव नहीं है। और अलग अलग लग्नों, अलग अलग जो राशियां होती हैं उसमें सूर्य का प्रभाव लगभग 3 महीने तक रहेगा और इसमें नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार के प्रभाव हैं दोस्तों। कुछ राशियों में नकारात्मक प्रभाव होते हैं कुछ राशियों में, लेकिन कुल मिला के नकारात्मक और सकारात्मक को दूर करने के लिए हमको सूर्य की उपासना करनी चाहिए, लाल वस्त्रों का दान करना चाहिए और तांबे के बर्तनों का अगर आप दान करें किसी मंदिर में दें या कोई भी निर्धन व्यक्ति को अगर आप एक दूसरे का सहायता करें तो सूर्य की जो उपासना हम रक्त चीज़ों से करते हैं, लाल चीज़ों से करते हैं, उससे हमारे अनेक प्रकार के कष्ट मिट जाते हैं और हम जो है हमको हमारे अंदर जो कष्ट आने वाले रहते हैं उसका निराकरण हो जाता है। अनेक ज्योतिषी लोग अपने अपने भाव प्रकट करते हैं, अपने हिसाब से बोलते हैं, लेकिन कुल मिला के ये दोस्तों नकारात्मक को सकारात्मक में परिवर्तन करने के लिए जो भी देव होते हैं, जो जिनकी सूर्य ग्रहण लग रहा है उनका प्रभाव किसी राशि में अच्छा होगा, किसी राशि में खराब होगा, तो सभी राशियों को ज़्यादातर सूर्य की आराधना करिए, सूर्य का स्मरण करिए और शिव का ध्यान करिए, लाल वस्त्रों का दान कीजिए। मेरे हिसाब से दोस्तों लाल वस्त्रों का दान कीजिए और सूर्य अर्घ्य चढ़ाइए
अनेक प्रकार से सूर्य की हम आराधना करेंगे तो हमारे काफ़ी कष्ट मिट जाते हैं। और पूरे विश्व में भी दोस्तों इस ग्रहण के उसमें उथल पुथल बताई गई है। आर्थिक रूप से भी ये ग्रहण थोड़ा सा सबके जीवन में प्रभाव डाल सकता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी दोस्तों जैसे कि शास्त्रों की मर्यादा में बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से आर्थिक उथल पुथल होगी और अनेक देशों में जिस प्रकार का माहौल चल रहा है उस हिसाब से ये 3 महीने का समय दोस्तों थोड़ा कष्टकारक हो सकता है और अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए और अपने को नियंत्रित करने के लिए सूर्य भगवान की आराधना के अलावा और कोई उपाय नहीं है दोस्तों। सूर्य भगवान की आराधना करिए। सूर्यदेव जब उनको कष्ट आएगा तो वह उनकी आप आराधना करेंगे, उनकी उनका ध्यान लगाएंगे, शिव जी का ध्यान लगाएंगे, निश्चित ही दोस्तों हमारे अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं और जो भी पूरे विश्व में जो उथल पुथल आएगी उससे भी हम निजात पा सकते हैं। ये अपने अपने ग्राउंड के अनुसार है दोस्तों। हम जैसी जैसा सोच बनाते हैं, हम अगर सकारात्मक सोच को समझेंगे तो सकारात्मक होगा और नकारात्मक सोचेंगे तो नकारात्मक, ये सभी लोग जानते हैं। तो दोस्तों हर चीज़ का कोई ना कोई विकल्प होता है, उस विकल्प को दूर करने के लिए संयम नियम अपना दैनिक जीवन इस प्रकार से बनाइए कि अक्सर 2-3 महीने तक मौन ज़्यादा रख, मौन धारण ज़्यादा रखे, कम बोलिए, संतुलित बोलिए। इसी से हम जीवन में यानी कोई भी नकारात्मक चीज़ अगर आने वाली होती है तो उससे हमारा जीवन सकारात्मक की ओर जा सकता है। जो भी ग्रहण लगते हैं दोस्तों इसका प्रभाव मानव जीवन में आदिकाल से ही पड़ता आया है और अनेक प्रकार की विषमताओं रोग व्याधि वगैरह को दूर करने के लिए हमको सूर्यदेव को नमन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, सभी देवताओं को ध्यान लगाइए, दैनिक अपनी अपनी जो क्रियाएं हैं उनको नियमित रूप से करिए, भगवान का ध्यान लगाइए, भगवान का स्मरण करेंगे, निश्चित ही जीवन में जो नकारात्मक चीज आने वाली है वो भी सकारात्मक हो। तो शनिवार का दिन दोस्तों हमारे जीवन में कर्म क्षेत्र का द्योतक है और हमारे कर्मों के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। कर्म फलदाता भी शनिदेव को कहा जाता है। शनि न्याय के देवता हैं, हमेशा मैं बोलता हूँ दोस्तों, ये हमारे शास्त्रों में भी कहा है, शनि जहाँ न्याय होता है अन्याय का साथ शनि नहीं देते हैं, न्याय मार्ग पर वह चलने की उनसे प्रेरणा मिलती है। शनिदेव की खास बात यह है दोस्तों, इस दिन हमको अपना काले वस्त्र पहनने से पहने शनि को, शनि की जब 7.5 होती है तो शनि देश को मुक्ति करने के लिए व्रत करिए और विधि विधान से शनि देव का पूजन करिए। और लोहा है और इस प्रकार के जो चीज़ें हैं, नमक है और इस प्रकार के चीज़ों को शनिवार को, तेल है, इस प्रकार के चीज़ों को शनिवार को कम खरीदना चाहिए क्योंकि इन चीज़ों से हमारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा आ सकती है, इसलिए इस चीज़ों को परहेज किया गया है। शनिवार शनि को शनि दान करिए और शनि देव को, शनिवार जो है शनि देव को समर्पित हैं। और कोई भी असहाय है, गरीब है, निर्धन है, जिसके हाथ पैर नहीं है, कोई दिक्कत है, उनको आप दान पुण्य कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और अंग आपने वस्त्र दान कर सकते हैं और कोई भी काली चीज़, काली उड़ा दुगार उगार दान कर सकते हैं, किसी मंदिर में दे सकते हैं, तिल दान कर सकते हैं। और इस प्रकार दोस्तों शनि की 7.5 हमारे जीवन में 3 बार अवश्य आती है तो उस 7.5 को भी हम अपने जीवन को संतुलित कर सकते हैं। उस हालत में भी शनि की 7.5 में जहाँ कहीं हमारे जीवन में नकारात्मक चीज़ होती है तो सकारात्मकता भी होती है, इस प्रकार के हमारे शास्त्रों की मर्यादा है। शनि देव जब खुश हो जाते हैं तो अपार धन के द्योतक हैं, न्याय जब मिल जाता है, न्याय के देवता हैं, जिसमें न्याय की पराकाष्ठा होती है,
वह शनि देव को हमेशा सहायता पहुँचाते हैं, शनि देव की कृपा उन पर होती है। तो खास तौर से दोस्तों शनिवार को हमको हनुमान चालीसा, हनुमान जी शनि देव को बहुत मानते थे और शनि देव हनुमान जी की आराधना बहुत करते थे। तो हनुमान जी का ध्यान करिए और हनुमान चालीसा अवश्य पढ़िए। दोस्तों जीवन को सकारात्मक और नकारात्मक करना हमारे अपने दैनिक कार्यों की प्रतिक्रिया या क्रिया होती है, जिस पर जैसा हम करेंगे उसी प्रकार हमारा जीवन बनेगा। तो सोच है, हमारी सोच में अगर सकारात्मकता होगी हम अनेक प्रकार के विकारों से, व्याधियों से, रोग से, अनेक अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके, अपनी वाणी को कंट्रोल करके, अपने शब्दों को कंट्रोल करके, अपने भावों को कंट्रोल करके, अपने विचारों को नियंत्रित करके, हम अपने को कितना भी हमारे अंदर विषमता आने वाली हो, कठिनाई आने हो, उस पर भी नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ी जो चीज़ होती है दोस्तों, हम जब समाज में जीते हैं, समाज में जाते हैं, एक दूसरे से संपर्क करते हैं, तो वाणी की मिठास सबसे बड़ी होती है दोस्तों। इसी वाणी में कड़वाहट होती है, इसी वाणी में अच्छाई होती है और इसी वाणी में बुराई होती है। शब्दों को जितना यही बोलते हैं, हर एक जगह में ये सुनता हूँ, शब्दों को तोड़ मोड़ के बोलना चाहिए। तो तभी क्या है, वाणी ऐसी बोलिए जामे, वाणी ऐसी बोलिए, वाणी ऐसी बोलनी चाहिए जिससे सबका मन खुश हो जाए, औरन को शीतल करे आप शीतल हो। तब का हृदय में तोड़ करके, अपने हृदय में विचार करके, अपने मन में सोच करके किसी भी शब्द को बाहर लाना चाहिए। ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आ, तो अपने तराजू में तोड़ करके, मन के मंदिर में तोड़ करके वाणी को बाहर करना चाहिए। निश्चित ही दोस्तों हमारे जीवन में कोई भी इस प्रकार के ग्रहण आते हैं, इस प्रकार की चीज़ें आती हैं और ग्रहणों का जो असर होता है दोस्तों, शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार हर चीज़ का असर होता है, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों असर होता है। तो उसकी उपचार का यही कारण है दोस्त, यही चीज़ है दोस्तों, शब्द जो है हम विचार करके बोलें। और जब हमारे अंदर बुराई या कठिनाई आती है, परेशानियाँ आती हैं, उसमें हमको अपने आप को नियंत्रित रखना चाहिए, कंट्रोल में रखना चाहिए। जितना हम संयम नियम सहनशीलता से रहेंगे उतना हमारे अंदर आध्यात्म आएगा और निश्चित ही हमारा किसी व्यक्ति से टकराव नहीं होगा और हम अपना संयम से रहना ही सबसे बड़ी चीज़ है। तो लगभग दरअसल कुल मिलाकर के जो है 3 महीने का टाइम है, 3 महीने तक इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव किसी भी राशि में नकारात्मक सकारात्मक दोनों प्रकार से होगा। तो इस 3 महीने के अंदर अनेक प्रकार के आर्थिक उतार चढ़ाव भी हो सकते हैं, अनेक प्रकार के, इस प्रकार के हमारे ज्योतिष शास्त्र का विधान है, ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। बड़े विद्वानों ने, जो ज्योतिषी हैं, जो रात दिन गणना करते हैं, उनको, जिनको खगोल शास्त्र के बारे में पूर्ण ज्ञान है, वो लोग इस बारे में पूरा अध्ययन करते हैं और अनेक मनोवैज्ञानिक हैं जो इन बातों को सामने लाते हैं। तो हमको 3 महीने का एक से मौन रखिए, मौन रहने का मतलब मुंह बंद मत करिए, जो भी बोलते हैं तोड़ मोड़ के बोलिए, अपने कार्यों को नियमबद्ध से करिए, अपनी दैनिक प्रक्रिया को मत छोड़िए। हो सके तो 2 मिनट भगवान का ध्यान करिए, शिव जी का ध्यान करिए, हनुमान चालीसा का पाठ पढ़िए, सूर्य भगवान को अर्घ दें, सूर्य भगवान को प्रणाम करें, कोई भी दोस्तों कितनी भी विषमता कठिनाई आने वाली है वह भी दूर हो जाएगी। इस प्रकार दोस्तों आज के प्रकरण में कि मैं दोस्तों रामचरितमानस का हम प्रसंग कर रहे हैं, उससे पहले जैसे कभी भी क्या होता है दोस्तों, हमारी मनोभूमि होती है, हमारे मन के जो विचार होते हैं, हमारे जो विचार होते हैं उनको दूषित होने का कारण क्या होता है, वो क्यों दूषित होते हैं, क्यों खराब होते हैं, उसका क्या कारण है, और इस दूषितता को, इस मलिनता को साफ करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, हर इंसान को इसके बारे में सोच विचार करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, सद्विचारों को मस्तिष्क और अंतःकरण में स्थान देने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, अनेक प्रकार के प्रयास करने चाहिए और अपने जन्म जन्मांतरों के जो हमारे इकट्ठे किए हुए जो भी कार्य हमने अपने जीवन में किए हैं, चाहे वो अच्छे संस्कार हों या बुरे संस्कार हमने किए हैं, तो उसमें
इस समय वर्तमान में जो हम अपना जीवन जी रहे हैं उसको नैतिक अनैतिकता के आकर्षण के प्रभाव से दूर रखना चाहिए और अपनी मनोभूमि को दिन पर दिन जो हमारी मनोभूति दूषित हो रही है उसमें सकारात्मकता प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। हमारा शरीर दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर अनेक प्रकार के मैल होता है और वही जो हमारे शरीर में जमता है और वह अपनी जब ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, जो अनैच्छिक क्रियाओं के कुछ चीज़ें हमारी अनैच्छिक क्रियाओं से उसका हम त्याग करते हैं, कुछ ऐच्छिक क्रियाओं से करते हैं जो हम चाह करके यानी अपने शरीर को स्वच्छ करने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार हम अपने मलिन भावों को भी और अगर हम चाहें और अगर हम मन में पक्का संकल्प करेंगे अगर हमारे अंदर कोई बुराई होगी तो उसको भी हम दूर कर सकते हैं। तो इस प्रकार की प्रक्रिया से दोस्तों हम अनेक प्रकार से अपने दैनिक जीवन को, अपने भावों को, अपने विचारों को, अपने शब्दों को, अपनी वाणी को अगर परिष्कृत करने की कोशिश करेंगे निश्चित ही हमारे अंदर जो भी कुविचार हैं, गलत चीज़ें हैं, जो मैल रूपी अज्ञान है वह हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। यानी हमारे जो भी संग्रहित कुसंस्कार हैं हमारे भीतर बैठे हुए हैं, हमारे बाहरी वातावरण में बुराइयाँ अनेक प्रकार से हमको आकर्षित करती हैं, उन बुराइयों से हमको दूर होना चाहिए। किसी भी प्रकार के गलत कुविचारों के प्रलोभन में नहीं आना चाहिए और किसी भी प्रकार के गलत आकर्षण का को नहीं अपनाना चाहिए और इससे हमारे जीवन में आसुरी टाइप की शक्ति प्राप्त होती है। अगर हम गलत विचार में, गलत दिशा में चलते हैं, गलत कार्य करते हैं, गलत भावनाएं रखते हैं, किसी के प्रति गलत सोचते हैं, समाज में गलत बोलते हैं, वाणी से गलत बोलते हैं और गलत कार्य करते हैं तो वह हमारे जीवन में अनेक प्रकार की दुर्बुद्धि प्राप्त करता है जिससे हमारा मस्तिष्क जो है गलत विचारों की तरफ जाता है। तो धीरे धीरे हमको दोस्तों अपने जो आज तक का जीवन हमने जो बिताया है उसमें जो भी हमारी दूषितता थी, जो उसमें कुविचार थे, जो कुसंस्कार थे उनको हम धीरे धीरे परिलक्षित कर सकते हैं, उनको परिष्कृत कर सकते हैं। अगर हमने अंदर से संकल्प ले लिया अपने मन के मैल को अगर हम दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको संकल्प शक्ति, अपनी इंद्रियों में नियंत्रण, अपनी वाणी में कंट्रोल नियंत्रण और अपने भाव विचारों में, अपनी सोच में अनेक प्रकार से हम परिवर्तन कर सकते हैं। यही दोस्तों हमारे जीवन का सबसे बड़ा सूत्र है। किसी प्रकार के भी गलत प्रलोभन के आकर्षण में हमको कभी नहीं डूबना चाहिए जो हमारे मन को विकृत करता है और आंतरिक रूप से हमको स्वच्छता का आभास करना चाहिए। तो अनेक प्रकार की विभिन्नताएँ होती हैं, विघ्नता होती हैं, अनेक प्रकार के इस प्रकार के भाव होते हैं, उनको अगर हम परित्याग करके अपनी संस्कृति के अनुसार अच्छे भावों का विचार उसको ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार पानी दोस्तों साबुन की पानी और साबुन आपस में मिल करके किसी कपड़े की गंदगी को दूर कर सकता है, उसी प्रकार दोस्तों हमको बाहरी अच्छे आकर्षण से, अपने मन की सोच से, आपस में उनके संयोग से अपने जीवन को जिस प्रकार पानी और साबुन से कपड़ा साफ होता है उसी प्रकार हमको अपने मलिन मन को, मलिन हृदय को साफ करने की कोशिश करनी चाहिए। मन की मलिनता में अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं, उसके लिए हमारे अंदर सफाई रूपी सद्ज्ञान है, सत्कर्म है, ये हमारे जीवन के सबसे बड़े उपमान हैं, मानक हैं। इसी से हम अपने जीवन में
जीवन हमको कैसे जीना है, अच्छी परिस्थितियों हो या कठिनाइयों में हम हों, कुछ भी क्यों न हो, हर एक स्थिति में अनुकूलता पैदा कर सकते हैं। ये अगर हमारे अंदर कार्य करने की क्षमता और प्रतिभा के होते हुए भी मनचाही वस्तुएं हमको नहीं मिल रही हैं, तो हमको अपने अंदर के जो कुसंस्कार और गलत भाव हमारे जीवन में हैं उनको दूर करने की आवश्यकता है। तभी हम दोस्तों अपनी मनोभूमि के दूषित होने का जो दूषित हमारी मनोभूमि होती है, मन की मलिनता होती है, उसको हम परिष्कृत कर सकते हैं, उसको साफ करते हैं कर सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार आज के प्रकरण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी, दशरथ जी और चारों भाई मुनि के साथ मिथिलापुरी में प्रवेश हैं, उनका स्वागत हो रहा है, स्वयंवर की तैयारी हो रही है। तो दशरथ जी अपने पुत्रों के साथ अहोभागी का अनुभव कर रहे हैं और काफ़ी समय के बाद उनसे मिलने के बाद दशरथ जी के मन में अपार हर्ष का आनंद हो रहा है। राम ही दी की बरात जुड़ानी, प्रीत दी दी जात बखानी, नभ समीप सो वहीं सुधारी, जन धन धर्मा अधिक तंदारी। तब श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई और राम के वियोग से सब लोग परेशान थे और वह शांत हो गई और प्रीति की रीति होती है दोस्तों, उसका बखान करना बड़ा कठिन है। कहा है बिना प्रीति के हम अपने मार्ग में, अपने कार्यों में अच्छाइयों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्रेम हमारे जीवन का सबसे बड़ा आधार है। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे थे कि जैसे उनको धर्म है, अर्थ है, धर्म है, काम है, मोक्ष है। तो इस प्रकार की जो अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष होता है, ये चारों निधियाँ उनको प्राप्त हो गई हैं, ऐसा वह अपने पुत्रों को प्राप्त करने पर हो रहा है। ये तुलसीदास की बड़ी विचित्र साहित्य का बखान उन्होंने किया है। सुतन समय दर्शन देखी, मुदित नगर नर नार विशेषी, सुमन बरिशि सुर हनि दिशाना, नाक नटी नाचई करिगाना। यानी पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं, अपार आनंद की छवि हो रही है। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं, अप्सराएं गाना गा रही हैं और अगवानी में आए हुए सतानंद मुनि जो हैं वह ब्राह्मण मंत्रीगण मागध और सूत विद्वान काफ़ी लोग बारात सही राजा दशरथ जी के आदर सत्कार में आए हैं और आज्ञा देकर वह वापस लौट रहे हैं। प्रथम बारा लगन तय आई, ताते ही गुरु दिखाई, ब्रह्मानंद लोग सब रही, बड़ा दिवस निशिबिरी आई। तब बारा लगन के दिन से पहले आ गई है, एक दिन पहले आ गई बारा, तो इससे जनकपुर में अपार अन्न की छवि होगी, सब लोग आनंद की छवि में सब लोग विलीन हो गए, सब लोग प्रसन्नता में मग्न हो गए, सब लोग ब्रह्मानंद का की प्राप्ति में प्राप्ति हो गई है और विधाता ने मना कर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाए। तब सभी लोग जब दोस्तों भगवान की भक्ति में हम ब्रह्म ज्ञान में हम लीन हो जाते हैं तो हमको ऐसा लगता है हमको समय का पता नहीं चलता है। हम ऐसा सोचते हैं कि समय और बढ़े, ये दिन और बढ़े, सूर्य भगवान और अपना प्रकाश दिखाएं। तो इस प्रकार की आभा भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की उसमें थी। सभी प्रजा ऐसा सोचती थी कि और हमको समय मिले और समय बढ़े, दिन दुना रात सगुनी वृद्धि हो, इस प्रकार का मनोभाव तुलसीदास जी ने उनके आगमन किया। प्रथम बारह लगन गया ही, ताते रूप को दर्शाई। तब बारह लगन के दिन से पहले आकर के उन्होंने इस प्रकार के आनंद की अनुभूति का अनुभूत कर रहे हैं। राम शील को बावरी सुखदवरी दूर रात, जहाँ जहाँ गुरुजन कहे यशो मिली नर नाश।
तब सीता और रामचंद्र जी और सीता जी की सुंदरता की सीमा सीमा बिल्कुल सीमा है और दोनों राजकुनियों की सीमा के समान हैं और जहाँ तहाँ जनकवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं कि देखो कितनी अच्छी शोभा है और निश्चित ही परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र इस प्रकार की आभा मंडल वहाँ हो गई है। जनक सुकृत दशरथ सुकृत राम धरे देही इन सम काउ न शिव औराधे काउ न इन समान फल राधे, यानी जनक जी के सुकृत पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के सुकृत, यानी एक तरफ जहाँ जनक जी की सुकृत जो है पुण्य कर्म की द्योतक जानकी सीता हैं और वहीं दूसरी तरफ जनक जी के दशरथ जी के पुण्यकर्म की देह धारण किए हुए श्री रामचंद्र जी हैं। इस दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न इनके समान किसी ने फल नहीं पाए, यानी शिव जी की आराधना में ये हमेशा निपुण रहे, इनका जैसा फल भगवान शिव जी ने किसी को नहीं दिया, इस प्रकार की प्राप्ति इनको हुई है। तो इन सम को न भय जगमाही है नहीं कतौ उनको निंदनाही, हम सब सकल सुकृत गए राशि भई जग जनम जनक बरवासी। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि दोस्तों इनके समान जगत में न कोई हुआ है न कहीं है न होने वाला है। इस प्रकार के प्रतापी राजा, इस प्रकार की मर्यादा, इस प्रकार की मान मर्यादा, इस प्रकार की साज सज्जा, इस प्रकार का वातावरण, इस प्रकार का परिष्कृत वातावरण को देख करके सबके मन सबको अहोभागी परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी सबको अनुकंपा हो गई है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की, यानी सभी को पुण्य प्राप्त हो गए हैं, एक भगवान के का आशीर्वाद सभी पर प्राप्त हो गया है और जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए हैं, जो हमने अगर जनकपुर में निवास किया है जनकपुर में रहते हैं तो हम अहोभाग्य के नहीं हैं, हमारा हम भाग्यशाली हैं, हम अहोभाग्य हैं, भगवान रामचंद्र जी और सीता जी जैसे हमको पुण्य कर्मों की जो राजाओं को ये मिले हैं तो इनकी कृपा से हम जो है हमारा अपार प्रसन्नता का अनुभव किया। जिन जान की राम छवि देखी जो शशि विशेषी पुण्य देख खब रघुवीर विवाहु लेव भली विधि लोचन लाहू। तब वह कहते हैं कि राम छवि देखी, यानी और उन्होंने जानकी जी की और श्री राम जी की छवि देखी है, हमारे शरीर का विशेष पुण्यात्मा कौन है, परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी और जानकी जी को जिनको दर्शन हो गए, साक्षात दर्शन हो गए जनकपुरी और अयोध्या नगरी में, उनसे अच्छा पुण्यात्मा और कौन हो सकता है। दोस्तों ये सत्यु की बात है, ये त्रेता की बात है, त्रेता में इस प्रकार के भगवान ने जब अवतार लिया तो सारे लोगों को जो सज्जन लोग थे, जो अच्छे लोग थे, जो भगवान पर विश्वास करते थे, भगवान की भक्ति में लीन रहते थे, उनको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और वह परम ब्रह्म परमेश्वर जन्म मरण की भय से वह दूर हो गए, वह मोक्ष की प्राप्ति हो गई और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे बलिमान जी ने, चाहे वह अपना विवाह की जो रीति है वह सब देखेंगे। कोयल यानी कह ही परस्पर कोकिल बहिनी यही विवाह लाभ सुने, बड़े भाग विधि बाध बनाई नई अतिथि हो, हमारे आँख कह रहे हैं कि इतने भाग्यशाली इतने अच्छे आँख। दोस्तों क्या होता है, जिन आँखों से हम अच्छाई देखते हैं वह हमारे लिए मंगलकारी होता है, उन आँखों को तब उस आँखों का वर्णन कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियाँ आपस में कहती हैं, जो कोयल के समान देखो जब वातावरण अच्छा होता है, अच्छा समाज होता है, अच्छा परिदृश्य होता है तो उस पर सब लोगों की वाणी में भी कोमलता आ जाती है। आप भगवान रामचंद्र जी अयोध्या नगरी में जाइए, आप वृंदावन जाइए, आप मथुरा जाइए, आप भगवान की स्थली पर जाइए, वहाँ भी भगवान का ही सब लोग स्मरण करते हैं, उस प्रकार की आभा वहाँ पर, उस प्रकार की बयार वहाँ पर बहती है कि सब लोग भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। इसी प्रकार जनक नगरी में भी सब भगवान की भक्ति में लीन होंगे। सिया राम मई सब जग जानी परम प्रणाम, सिया राम मई सब जग जानी, पूरा विश्व जो है पूरा संसार राममय हो गया है, सिया राममय हो गया। इस प्रकार का कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि ही सुंदर नेत्रों वाली इस विवाह में
बड़ा लाभ है, बड़े भाग्य से विधाता ने यह सब काम बना दिया है। दोनों भाई आवर नेत्रों में अतिथि बना कर करेंगे, यानी इन दोनों भाइयों को हम अतिथि बनाने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बार ही बार स्नेह बसो जनक बुलावर सी लेन आए हूँ बंधु दो कोटि काम कम थी। तब जनक जी स्नेह बस बार बार सीता जी को बुलाएंगे और इस प्रकार का उच्चारण करेंगे और करोड़ों कांदों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने विदा करने के लिए आया करेंगे। तो रोज जैसे जैसे प्रक्रिया होती है कि शादी के बाद आते जाते रहते हैं और उसी प्रकार जो है राम लक्ष्मण और सीता जो है जनक नगरी में आते रहेंगे, हम उनके दर्शन करते रहेंगे, हम उनके भक्ति में लीन होंगे, हम अहोभागी के पात्र हो गए, हमारी आँख इस प्रकार की अच्छाई को देखेंगे। जब आँखों से अच्छाई देखी जाती है, आँखों में अपने आप ही ज्योति और रोशनी प्राप्त हो जाती है, डबल रोशनी हो जाती है और विविध भांति हो यहीं पवनाई प्रिय नगाई सासुर भाई तब तब राम लखन निहारी हो यहीं पर। वह भविष्य की बात भी सोचते हैं, भविष्य के बारे में सोचते हैं कि रामजन जी का अगर इस प्रकार से ये यहाँ ये विवाह हो रहा है तो इस विवाह के बाद की बात वह सोचते हैं। तब उनकी अनेकों प्रकार की पहनाई हुई सखी और ऐसी ससुराल किसी प्यारी न होगी। तब तक हम सब नगरवासियाँ श्री राम लक्ष्मण को देखकर सुखी होंगे, हमें अपार हर्ष का अनुभव होगा, हमें भक्ति वह हम भक्ति में लीन हो जाएंगे अगर उनके दर्शन हमको होते रहेंगे। इस प्रकार के भाव वहाँ की स्त्रियों ने, वहाँ की महिलाओं ने, वहाँ की अनेक प्रकार की जो मिथिला नगर में जो रहने वाली थी उनकी वाणी कोमल के समान मधुर हो गई। इस प्रकार कोयल जो है, कोयल की वाणी मीठी होती है और कोयल के सुर मधुर होते हैं, उसी प्रकार उनको वह अपनी वाणी से बोल रही है। सखी जस राम लखन कर जोटा ते सही भूप संग दू जोटा श्याम गौर सब अंग सुहाई ते सब कहीं लिख गए आई। यानी हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है वैसे ही दो राजकुमार राजा के साथ और भी हैं, यानी भरत शत्रुघ्न हैं और वे भी एक श्याम और दूसरे गौर वर्ण के हैं और उनके भी सब अंग बहुत कुछ उनसे मिलते जुलते हैं। जो लोग उन्हें देख आए हैं वे सब यही कहते हैं, यानी चारों भाइयों का रूप रंग गुण शील अपार सब एक समान है। थोड़ा विचारों में भावों में सभी कहा है भगवान रामचंद्र के उसमें क्या है, एक पिता के विपुल कुमारा हो वही रूप रंग गुण शील अपार। एक ही पिता की अनेक प्रकार की संतानें होती हैं जिनका रूप है, गुण है, शील है, स्वभाव है, सब अलग अलग होता है, उनका कर्म क्षेत्र अलग होता है, हर व्यक्ति का कर्म क्षेत्र अलग अलग होता है। भरत जी का कर्म क्षेत्र अलग था, रामचंद्र जी का कर्म क्षेत्र था और शत्रुघ्न जी का कर्म क्षेत्र था, लक्ष्मण जी का कर्म क्षेत्र। सबको भगवान सृष्टि की रचना के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने इस जीवन को, हमारे जीवन को कर्तव्य निष्ठ बनाया है। इसी प्रकार चारों भाइयों का कर्तव्य अलग अलग था, सबको अलग अलग कर्तव्य दिया था, लेकिन सबके विचार, सबका सामंजस्य, सबकी रूपरेखा, सबके संस्कार वह एक समान थे। दोस्तों तो हे सखी, जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है उसी प्रकार वह दो भाई भी हैं। कहा एक में आज निहारी जन्म सवारी भरत राम ही की अनुहारी सहसा सकेंगे। तो एक ने एक आपस में वह बात कर रहे हैं दोस्तों, आप आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं। एक ऐसा कहती है कि मैंने आज ही उन्हें देखा है, इतनी सुंदर है मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से बनाया। परम परमेश्वर भगवान राम को देख उनकी छवि ब्रह्मा विष्णु महेश जिन्होंने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने उनको बनाया। भरत तो श्री राम जी के सकल की सूरत के हैं और स्त्री पुरुष उन्हें सहसा पहचान नहीं सकते हैं। यानी अगर भरत और रामचंद्र जी एक जगह खड़े होते हैं तो उनकी उनकी मूर्ति जो है, उनकी उनकी शक्ल जो है वह एक समान दिखती है। इस प्रकार के भाव उनके मस्तिष्क बारे लखन शत्रुघ्न एक रूपा नक्षिक देश अंग अनुपा मन भावनी सुख बरण्य जायी उपमा कहु त्रिगुण को बनाई। यानी लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है, भरत और रामचंद्र का एक रूप है और लक्ष्मण और शत्रुघ्न का एक रूप है। इस प्रकार के भाव वह व्यक्त करें, विचार व्यक्त करें। जब कोई भी दोस्तों अगर किसी दूसरे की कल्पना करता है, उसको देखते हैं, कोई बारात आती है उसमें अनेक प्रकार के भावों से उनको देखते हैं, कैसा दिखने वाला है, क्या है, तो उनके पूरा वृत्तांत तो लोग आपस में चर्चा करते हैं। उसी प्रकार की चर्चा जो है सखियाँ आपस में कर रही हैं और दोनों के नख
नक्शे सिखाता, दोनों एक समान लगते हैं। तो मन को जो हमारे हृदय को बहुत ही भा रहे हैं, बहुत ही सुशोभित हो रहे हैं, हमारा मन प्रफुल्लित हो रहा है और मुख से उनका वर्णन करना हमारे लिए असंभव है। तुलसीदास जी ने इस प्रकार का वर्णन किया, सखियों के माध्यम से राम और राम लक्ष्मण भरत की छवि का वर्णन किया है, उनके रूप का वर्णन किया है, उनके सौंदर्य का वर्णन किया है, उनकी विशालता का और उनके भव्य स्वरूप का वर्णन किया है, उनके अंग प्रत्यंग का वर्णन बड़े मार्मिक ढंग से किया है, उनकी उपमा के योगी तीनों लोकों में कोई नहीं है। अगर हम कि तीनों लोकों को देखें, तीनों लोकों में अगर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जो राजा दशरथ के सुपुत्र हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी संसार में सृष्टि की रचना के लिए जिन्होंने जन्म लिया है, अवतार लिया है, उनकी कल्पना, उनकी रचना और उनका उनकी उपमा हम किसी चीज़ से, किसी दूसरे से नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार के भाव कह रहे हैं, उपमा न को कह दास तुलसी कतम कवि को विद कहे, बल विनय विद्याशील शोभा सिंधु इन के कहे, पुर नारी सकल पसारी अंचल विविध बहु सुना वही, ब्या वही तारे भाई यही पुर सम सुमंगल गावे। तो छंद है दोस्तों, छंद के रूप में उन्होंने कहा है, उपमा न को कह तुलसी कहता हूँ कभी को भी तो कहे, यानी दास तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसीदास जी भगवान राम जी को अपना अपने को उनका दास समझते थे, साक्षात रूप में वह पूजा करते थे, भगवान रामचंद्र जी को अपना दास सेवक समझते थे और कोविद विद्वान कहते हैं कि उनकी उपमा कहीं कोई नहीं कर सकता है। बल विनय विद्या शील और शोभा के समुद्र हैं, ये सब समुद्र जिस प्रकार गहरा होता है, ये सब शक्तियाँ उनकी इस प्रकार से गहरी है जिस प्रकार समुद्र होता है। जनकपुरी की सब स्त्रियाँ आंचल फैलाकर विधाता से वचन विनती मांगते हैं, आराधना करती हैं और विनती करती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में और हम सब लोग मंगल, अगर चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में होगा, हम सुंदर मंगल गान गाएंगे, उनकी उनके दर्शन करेंगे, उनके रूप रंग को देखेंगे, उनके वर्णन को देखेंगे और अपने मन में अपार हर्ष का अनुभव करेंगे। इस प्रकार की भावें वह सोच रहे हैं दोस्तों, कहीं परस्पर नारी बारी बिलो तो कहे, तब कहे बार विलोचन पुलक तनाव कहीं परस्पर नार पुण्य पयो निर्भूव दो सखी सबू करब पूरा, तब नेत्रों में कहीं परस्पर बार, तब नेत्रों में प्रेमाशु का जल भरकर। तो जब भक्ति में आदमी कोई भी व्यक्ति होता है दोस्तों, अगर हम भक्ति भाव में पूर्ण रूप से मन वचन और कर्म से भक्ति भाव में लीन हो जाते हैं तो हमारे आँखों से आंसू भी निकल जाते हैं, वो प्रेम के आंसू होते हैं, जो भक्ति के आंसू होते हैं, वह ब्रह्मलीन आंसू होते हैं, वह ब्रह्मलीन आंसू कहे जाते हैं। जल भरकर पुलकायमान हो रहे हैं और शरीर में अनेक स्त्रियाँ आपस में कह रही हैं, यानी वह भक्ति में इस प्रकार से लीन हो गई हैं। दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं, ये राजा आपस में इस प्रकार के। तो कहा है दोस्तों कि जो संयोग बस ऐसा होता है, जा पर जाकू सत्य स्नेह ता पर ताकू कथुल, जनक जी का दशरथ जी पर कोई स्नेह होगा, पूर्व जन्म का कोई इस प्रकार के भाव होंगे, जो स्वयं ही अपने आप ही विधि के विधान ने उनका आपस में मिलन कर दिया। इस प्रकार से सीता जी का स्वयंवर होने लगा और राम जी का उन्हीं से स्वयंवर हुआ। तो अपने आप विधि जो है, विधि ने इस प्रकार की रचना की है, सीता के इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं, हृदय में उमंग उमंग कर उत्साहपूर्ण आनंद का एहसास कर रहे हैं और सीता जी के स्वयंवर को राजा आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख पाया, इस प्रकार से उन्होंने सुख का अनुभव किया। कहत राम जस विरल विशाला निज भवन बहिपाला, गए बीते पशु दिन ही भांति प्रमुदित फुरजन सकल बराती। श्री राम जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर चले गए वो अपने घर। तो इस प्रकार कुछ दिन बीत गई और जनकपुरवासी और बाराती सभी बड़े आनंदित हो गए। तो काफ़ी दिन तक वह वहाँ पर रहे तो उन्होंने अनेक प्रकार से आनंद का अनुभव किया। मंगल मूल लगन दिन आवा हिमजितो आगन मास को आवा, ग्रह तिथि नखत जोग बर भारू लगन शोर विधिन विदार। तुलसीदास ने दोस्तों बड़ा विस्तार एक एक भाव का एक एक क्षण का हर दिन का इस प्रकार से वृतांत किया है कि मंगलों का मूल लग्न का दिन आ गया है और हेमंत ऋतु और सुहावना, हेमंत ऋतु दोस्तों बहुत ही सुहावनी होती है, आगमन का महीना था यह।
तिथि नक्षत्र योग और बार श्रेष्ठ थी, यानी सब लग्न करके ज्योतिष ऋतुषाचार्य ने वहाँ के बड़े बड़े ज्योतिष प्रकांड ज्योतिष ने इस प्रकार का योग बनाया था। मुहूर्त शुभ मुहूर्त सोचकर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया है, ब्रह्मा जी ने शुभ मुहूर्त से उनका विचार किया है। ऐठे दीन नारद संसोई गणी जनक जी गण कनक जोई सुनी सकल लोगन सब बात यह बात कहें ज्योतिषी आयु। सब कहते हैं कि दोस्तों दीन नारद संसोई यानी और उस लग्न पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहाँ भेज दिया और जनक जी ने ज्योतिषी की सभी गणना कर रखी थी और जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वे कहने लगे कि यहाँ यही यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं, जो यहाँ के ज्योतिषी हैं वो भी ब्रह्मा की मर्यादा के अनुसार चलते हैं और वही वह बताएंगे जो ब्रह्मा जी बताए। धेनु धूर बीला विमलो सकल सुमंगल भूल विप्रन कहूँ विदेश न जान जान सगुन अनुकूल, यानी निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूलि की पवित्र बेला आ गई है, वह शुभ अवसर आ गया है और अनुकूल सगुन अनेक प्रकार के मंगल गान हो रहे हैं, सगुन हो रहे हैं, शुभ सगुन हो रहे हैं, प्रतिकूल से प्रतिकूलता कहीं पर भी नहीं है, सब अनुकूलता का वातावरण हो गया है, परिदृश्य हो गया, परिवेश हो गया है। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा, जनक जी से इस प्रकार की बात उन्होंने कही, पूरा वृत्तांत उन्होंने बताया। उबरो तेहि कहूँ नरनाहा अब विलंब कर कारण कहा सदानंद सचिव बुलाई मंगल सकल साहित बताए। तब सदानंद जो थे वह जनक जी के कुल गुरु थे, तब राजा जनक ने पुरोहित अपने जो पुरोहित थे सतानंद जी से कहा अब देर करने की क्या, अब विलंब क्यों कर रहे हो, शुभ कार्य में तभी कहते हैं तो शुभ कार्य में देर किस बात की, शुभ कार्य में कभी भी देर नहीं करनी चाहिए। तब सतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया, वे सब मंगल का सामान सजाकर जो भी मंगल के जो शुभ कार्य का जो सामान होता है जो विधि विधान के साथ हम कार्य करते हैं उसके सब चीज़ों को रीति रिवाज के अनुसार अपने संस्कारों के अनुसार अपने मर्यादा के अनुसार उनको सुंदर सजा करके सजा दे रहे हैं। शंख निशान पवन बनवादी मंगल करवादी सुभग सुहास निगावी गीता करें वीत दुनि विप्रपुनीता। शंख है शंख निशान और नव बहु बाजे, शंख हैं नगाड़े हैं ढोल हैं बहुत से बाजे बजने लगे और मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं जैसे दधी है, दधी को शुभ शादी विवाह जो भी मंगल कार्य होता है उसमें दही का प्रयोग किया जाता है, धूप है और सजाई गई हैं सुंदर सुहागनी स्त्रियां गीत गा रही हैं, सुहागनी स्त्रियां दोस्तों जो पति पत्नी शहीद होते हैं पति जिनका होता है उनको सुहाग सौभाग्य की प्रतीक होती हैं और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि गा रहे हैं, तो इस प्रकार का माहौल हो रहा है। जो आज के प्रकरण में भी दोस्तों इस प्रकार के भाव होते हैं, तुलसीदास ने उतने साल पहले उस प्रकार की मर्यादा को हमारे लिए रखा, उसी मर्यादा के अनुसार आज भी हम चल रहे हैं। उसमें दोस्तों उसमें भी भगवान की भगवान का ही गुणगान किया जाता है। जब हम कभी कभी शुभ शगुन करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, अच्छे कार्य को अपने घर या कहीं पर भी करते हैं वहाँ पर भगवान का मान मर्यादा जिस प्रकार से भगवान ने हमको परम ब्रह्म परमेश्वर तुलसीदास ने इस प्रकार की रचना की जो आज भी हमारी संस्कृति और संस्कारों में हर जगह विद्यमान है। तो आप मंदिरों में जाइए कहीं भी जाइए तो हमारे सनातन धर्म और हिंदू धर्म के अनुसार सभी प्रक्रियाएँ उसी प्रकार से चल रही हैं जो हमको जिससे हमको राम राम रामचरितमानस के दर्शन होते हैं वही हमारे संस्कारों में विद्यमान है। लीन चली सादर ही भांति गई जहाँ जलवास बराती कौशल पति अधिक समाधू अधि लघु लाग तिन्हीं सदुरालू। तब सब लोग इस प्रकार सादर आदर पूर्वक जो है बारात को लेने चले और जहाँ बारातियों का जलवासा था जहाँ बारात रुकी हुई थी और वहाँ गए। अवधपति दशरथ जी समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। तब वहाँ के वैभव वहाँ के आनंद को देख करके वहाँ के वैभव को देख करके वहाँ की साग सज्जा को देख कर वहाँ की वहाँ की वास्तविक कला का वर्णन देखते हुए वहाँ की शोभा का वर्णन देखते हुए जनक जी को इंद्रदेव इंद्रदेव बहुत ही सुशोभित होता है वो भी उनके लिए तुच्छ लगने लगा, वो भी उनके लिए कुछ नहीं लगने लगा, कुछ नहीं लगा ऐसा भयों समय सब धारी पाऊ ये सुनी निशा नहीं राहू गुरु
गुरही पूछ करी कुल विधि राजा चली संग मुनि सार समाजा। तब उन्होंने जाकर विनती की और समय हो गया है अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ी पर नगाड़ी की, जब कभी भी हम कहीं पर भी सुख सकुन में जाते हैं शुरुआत करते हैं तो हम नगाड़े बजते हैं, शुभ गान गाते हैं और ध्वनि करते हैं। वह ध्वनि जो है हमारी मंगल का प्रतीक होता है। और गुरु वशिष्ठ से पूछकर, अपने कुल गुरु से उन्होंने पूछ कर के कुल की सब रीतियों को, अब कुल की रीति होती है कौन लग्न है, कौन क्या है, किस वंश में पैदा हुए हैं, पूरा रघुकुल रीति सदा चरियाई, रघुकुल की जो रीति है उसके अनुसार मर्यादा के अनुसार उन्होंने पूरा कुल गुरु जो है उनको संपादन है उस रीति के अनुसार। दस जी मुनियों और साधुओं के समाज को साथ लेकर चले। तब दस जी ने पूरा अपने संस्कारों के साथ अपनी मर्यादा के अनुसार सबको साथ लेकर के आगे को चलने लगी। भाग्य विभव उपदेश करो भी देव ब्रह्मांड लगे सराहन सहज मुख जान जन्म निर्वा। तब अवधेश नगर, अवधेश के जो अवध नगर अवध नरेश थे, अयोध्या के जो नरेश थे दशरथ जी, तो का भागी वैभव देखकर अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों सुखों से उनकी सराहना करने लगे। तो ब्रह्मा विष्णुमय भी उनकी गान गाने लगे, मंगल गान लगे, चारों तरफ प्रसन्नता से पूरा वातावरण आच्छादित हो गया था, पूरे वातावरण में खुशी की लहर दौड़ रही थी। तब सुरन सुमंगल अवसर जाना वर्ष ही सुमन बजा इंसाना शिव ब्रह्मा विभुद था चढ़े विमान ही नाना जो था। तब देवगण सुंदर मंगलों का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर और फूल बरसाते हैं। शिव जी और ब्रह्मा जी, ब्रह्मा विष्णु मही देव बृंद टौलियाँ बना बना कर विमानों पर चढ़कर आ रहे हैं। परम ब्रह्म पहले लोग दोस्तों विमानों में चढ़ते थे, भगवान की शक्ति थी, वो अपनी शक्ति से जो है इस प्रकार के आवागमन के साधन थे। आज तो हम हवाई जहाज में और अनेक प्रकार के हमारे संसाधन बढ़ गए हैं, उस समय भगवान की अपनी शक्ति थी, वो अपने हिसाब से विमान बना लेते थे, उसी विमान वह विमान आज भी उनका नाम है। तो इस प्रकार से वह अनेक प्रकार से आरा की शोभा का वर्णन नहीं किया सकता है। और प्रेम से पुलकित प्रेम पुलक तन हृदय उठाऊ चले बिलोकत राम विवाहू देख जनक सुर अनुरागे निर्जन लोग सभी अनुरागे। तब प्रेम से पुलकित शरीर हो और हृदय में उत्साह भरकर श्री राम जी विवाह देखने चले और जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए, इतने प्रसन्न हो गए, इतने खुश हो गए, सभी देवताओं ने सुख की अनुभूति होगी और उन सबको अपने अपने लोग अपने जो जिस लोक में भी जो रहते थे, ब्रह्म लोक में रहते थे कोई, किसी लोक में सब लोग इंद्र लोग रहते थे कोई, तो सबको अपना लोग तुच्छ लगने लगा। इस बात की शोभा का वर्णन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने अपने परम ब्रह्म की शक्ति वहाँ पर बिछा दी थी। तब उनको सबको जो है अपने अपने लोग तुच्छ लगने लगे उनके सामने। चित बने चकित विचित्र बिताना चलना सकल अलौकिक लाना नगर नारी नर रूप निधाना सुधर सुघर सुधरम सुशील सुदाना विविध मंडप को और नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को चकित होकर देखते रहे, सब आश्चर्यमग्न हो गई और नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार सुगढ़ श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान इतने प्रकार के लोग वहाँ पर, जिस प्रकार के जो सज्जन लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो दिव्य ज्ञानी हैं और दिव्य ज्ञान जिनको है और अनेक प्रकार के लोगों से वह आकर के भगवान का स्वयंवर देखने के लिए आए हैं। तिदही देख सब सुर नारी भई नगर विदुजारी विविध विविध भयों आचर विशेषु निर्करणी सर्वकर्म की हो। उन्हें देखकर सब देवता और देवगणाएं ऐसे भया प्रभावहीन हो गए, ऐसे प्रभावहीन हो गए, ऐसे आनंदित हो गए जैसे चंद्रमा के उजाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं। यानी सब लोग इस प्रकार से वह हो गई कि पूरे लोगों को देख करके तो वहाँ की शोभा को देख करके वह तारागण में जिस प्रकार चंद्रमा के आने पर तारागण फीके पड़ जाते हैं, सुस्त पड़ जाते हैं, उनकी शोभा उसमें नहीं दिखती है चंद्रमा के आगे, इस प्रकार की शोभा गई। ब्रह्मा को विशेष आश्चर्य हुआ क्योंकि वहाँ उन्होंने अपनी कोई करनी रचना तो कहीं देखी थी। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश जो सृष्टि के रचना करता और हरता थे उनको भी अपनी छवि से आश्चर्य होने लगा कि भगवान पर इतनी बड़ी शक्ति है। परम ब्रह्म पर देवता भगवान रामचंद्र जी मर्यादा विष्णु भगवान जी इस मानव शरीर में अवतरित होकर के इस प्रकार की रचना कर रहे हैं। तुलसीदास जी का आशीर्वाद है। शिव समझाए देव शरीर जनिया लाए हृदय वितारम धीर हरी
छिए रघुवीर जी। तब वह कहते हैं, तब शिव जी ने सब देवताओं को समझाया, सब लोगों को समझाया, उन्होंने कहा कि तुम लोग आश्चर्य मत भूलो, ये कोई आश्चर्य मत भूलो, यानी हृदय में धीरा धरकर विचार करो कि यह भगवान की महिमा की निज शक्ति है, ये परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र की अपनी स्वयं की शक्ति है, ये किसी को नहीं की है। और सीता जी और अखिल ब्रह्मांडों के परमेश्वर साक्षात भगवान श्री राम जी का विवाह है, तो ये इस प्रकार का विवाह है, जो जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी जिनकी आराधना करते थे उनका विवाह हो रहा है, ये मर्यादा की रचना है। मानव जन्म मानव रूप में अवतार लेकर के उन्होंने इस प्रकार का वर्णन किया है तुलसीदास जी ने, जो वास्तव में वह रामचंद्र जी के सौंदर्य का, उनकी विशालता का, उनके भव्य रूप का, उनके स्वरूप का, उनके वातावरण का, परिवेश का, पूरा जनकपुरी में जिस प्रकार का वर्णन हो रहा है, सब देवता लोग आश्चर्य हो गए, सबको सब लोग जिनकर नाम लेन जगमाही सकल अमंगल मूल निशाही करतल हो पदारधारी ते श्री राम कही मंगाही, जिनका नाम लेते ही जगत में सारी अमंगलों की जड़ कट जाती है, ये शिव जी कहते हैं। और चारों पदार्थ जो होते हैं जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है, और